नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें, चार गवाहों ने यौन उत्पीड़न के आरोप को बताया सही। सिर्फ 250 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, पूर्व सरपंच के बेटे विकास की ईंट मारकर की गई हत्या। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 4 में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वार्ड नंबर 14 व 15 में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे। 2024 के विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग वार्ड में हो रही मीटिंग में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 और 4 जून को करनाल दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और करनाल की जनता से रूबरू होंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बांसोगेट स्थित राजकीय मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उड़ीसा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर भी दुख जताया। सीएम ने इस हादसे में मारे जाने वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है, उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये ऐसी अभी तक जानकारी नहीं है, कोई मिलेगी तो बताएंगे। और जहाँ तक मेरा ये 2 दिन का कार्यक्रम है करनाल विधानसभा का, तो इसमें मैंने 4 वार्डों की बैठकें रखी हैं। मैंने वार्डों की बैठकें शुरू की थी पिछले 2 महीने पहले, 6 वार्डों के पहले हो चुकी हैं, 4 आज और कल में हो जाएंगी, 1 पंचायत की भी होगी। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है कंस्टिट्यूंसी का बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा की, जो इस वार्ड की कमियाँ हैं वो भी उन्होंने बताई हैं, कुछ लिखित में दी हैं। इन सब कामों को कॉरपोरेशन लेवल की ज़्यादातर होती हैं इसमें, तो कॉरपोरेशन हल करेगा। हाँ, एक जो रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज, अप्रूवल ऑफ कॉलोनीज, वो पेंडिंग अभी है, उसका सर्वे चल रहा है और इस महीने में मुझे लगता है कि यहाँ की जो कॉलोनीज इन्होंने भेजी हुई हैं लेकर के पहले, उनका सर्वे इस महीने में पूरा होगा, अगले महीने में उनके अप्रूवल का काम पूरा किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस महा जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता और नेता सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों को लेकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अमरनाथ सौदा को महासंपर्क अभियान में जिला संयोजक की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अमरनाथ सौदा लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और उनके जो जबरदस्त काम उन्होंने किए हैं, जिसकी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा है, इतने अच्छे उन्होंने काम किए हैं देश के लिए, तो वो 9 साल होने के बाद हम 30 मई से लेकर के 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चला रही है। और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, स्वच्छता मिशन की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें और अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार के पटरी पे कोरोना काल के बाद वो लेकर के आए उसकी बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करें और नौकरियों में जो पारदर्शिता हरियाणा सरकार और केंद्र में जो की जा रही है उसकी बात करें, गरीबों के जो नल से जल और उज्ज्वला योजना और जनधन अकाउंट्स,
की सारी बात करें, धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बार बार बात करें, उसकी बात करें, ये सभी जो जितने काम हुए हैं, जो कि आज तक जब से देश बना है, एक उसमें सबके दिमाग में थी कि धारा 370 कब हटेगी, धारा 370 हटाई मोदी साहब ने, मंदिर कब बनेगा बार बार चर्चा, हम सब चुनाव में जाते थे, लोग कहते हैं बात इलेक्शन के टाइम में करते हो, राम मंदिर कब बनाएंगे, और ये राम मंदिर बनाने का काम भी अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान गरुंडा में पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने गरुंडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि एक दो हफ्ते में संगठन की घोषणा हो जाएगी। केंद्रीय आलाकमान ने घोषणा रोक रखी है, उम्मीद है कि जल्द ही पदाधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन दिनों कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश अध्यक्ष गरुंडा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संदेश घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। और वहीं महिला पहलवानों के आंदोलन पर उदयवान ने कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है, हमारी पार्टी महिला पहलवानों समेत बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के मसले पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में लगातार गड़बड़ हो रही है, HPSC की भर्ती पर हम लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लोगों में बहुत ही गजब का उत्साह देखने को मिला, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारे जो चल रहे हैं, पार्टी के जो कार्यक्रम और जो नीतियां हैं, और इसका भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों का पर्दाफाश करने का जो 9 साल में इनके जो कार्य रहे हैं उनको हमने उजागर करने का काम किया है। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक पर है हिंदुस्तान के अंदर, महंगाई का बहुत बुरा हाल है, 2 लाख पद के करीब खाली पड़े हुए हैं, 32 बार पर्चे लीक हो चुके हैं, 4800 जो PGT टीचर्स की जगह निकाली थी वो बार बार 2019 से उनकी डेट बदलती रही, 9000 कांस्टेबल के करीब वो भी इसी तरह से होती रही। हमारी जो महिला पहलवान बेटी जिन्होंने देश का नाम विदेशों में भारत का झंडा बुलंद किया, हमारी आन बान शान है, और उनके साथ यौन शोषण जैसे हुआ और वो 4 महीने से न्याय के लिए भाग दौड़ कर रही हैं, और एक ऐसा गुंडा जिस पर 40 मुकदमे की फहरिस्त है, टाड़ा तक भी जिस पर लगे हुए, मर्डर तक के जिस पर लगे हुए, और उस आदमी की पीठ पीछे मोदी सरकार खड़ी हुई है, ये बहुत शर्मनाक है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ी 1 महीने से अधिक समय से मोर्चा खोले हुए हैं। वे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और FIR तक दर्ज की जा चुकी है। अब इस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक ओलंपियन, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट लेवल के कोच ने 3 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि कर दी है। ऐसे में ब्रजभूषण की परेशानी बढ़ने वाली है। वे सभी 4 राज्यों के 125 संभावित गवाहों में से एक हैं, जिनके बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं। फिलहाल अभी मामले की जांच चल रही है, ऐसे में इस पर टिप्पणी करने से पुलिस ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि SIT मामले की जांच कर रही है और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बन गए हैं। वहीं पहलवानों के बारे में उन्होंने कहा कि खिलाड़ी आंदोलन करें, उनको अधिकार है, लेकिन राजनीतिक हितों की बलि न चढ़ें। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहलवानों को कथित विपक्षी नेताओं के चुंगल से बाहर निकलने की नसीहत देते हुए कहा कि पहलवान हमारे नेशनल हीरो हैं और देश की भावना इनके साथ है। खिलाड़ी आंदोलन करें, उनको अधिकार है, लेकिन राजनीतिक हितों की बलि न चढ़ें। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों की सुन रही है। समिति बनाने, FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी, वह करा दी गई है, और विपक्षी नेताओं के चुंगल में फंसकर थोड़ा सा मामला खराब हो गया है। सिर्फ 250 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को ही उतारा मौत के घाट। जी हां, मामला हिसार जिले के मायड़ गांव का है, जहां पूर्व सरपंच के बेटे विकास की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच का बेटा विकास अपने दोस्त संदीप के साथ शराब पी रहा था और संदीप ने उससे 250 रुपए मांगे। ये पैसे उसने विकास से लेने थे और विकास ने पैसे देने से मना कर दिया। इसको लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और इसी बीच संदीप ने विकास के सिर पर ईंट से वार कर दिया। विकास लहूलुहान अवस्था में घर पहुंचने से पहले ही गली में गिर पड़ा। सुबह जब उसके पिता घर से बाहर निकले तो उन्हें विकास का शव गली में पड़ा मिला।
महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आजकल बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी लूट व हत्या के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक का है, जहां दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर दुकानदार से 80,000 रुपए की लूट हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने सचेत इंटरनेट पर दुकानदार पर पिस्तौल तान दिया और फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली दुकानदार के नाल लगकर दीवार में जा लगी। बदमाश दुकानदार के गले से 80,000 रुपए निकालकर रफू चक्कर हो गए। इस घटना के बाद लोगों में भय का माहौल है। लोगों ने जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने नाकेबंदी करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घरौना के विधायक हरविंदर कल्याण ने नारियल तोड़कर गलियों व अंडरग्राउंड पीवीसी पाइपलाइन कार्यों का उद्घाटन किया। वार्ड एक में रेवेन्यू रास्ते को पक्का करवाने और इसी वार्ड की दो गलियों में पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड पीवीसी पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। वार्ड एक में 36,81,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि वार्ड नंबर 6 में गली निर्माण पर 14,72,000 तथा वार्ड नंबर 7 में 9,41,000 की लागत से गलियों का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार की सुबह निर्माण कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक हरविंदर कल्याण व नगर पालिका चेयरमैन हैप्पी गुप्ता का वार्ड वासियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने सिवर लाइन ब्लॉकेज और राशन कार्ड संबंधित समस्याएं भी विधायक हरविंदर कल्याण के सामने रखी। देखिए, इस महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत होगी, जो छोटे काम हैं गलियों के और कहीं पाइपलाइन है इस प्रकार के कामों के, तो उसमें से आज लगभग 61 लाख रुपए के कामों की आज शुरुआत की गई है और बाकी कामों की भी अगले दिनों में शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जो बाकी जो हमारी कॉलोनियां जो अप्रूव हुई थी उसके अंदर जो पिछले समय में लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि जो मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की थी, वो काम लगभग हमारे शुरू हो चुके हैं। उनमें से भी कुछ दो एक काम ऐसे हैं जिनमें अभी टेंडरिंग प्रक्रिया के कारण से वो थोड़ा सा डिले हुआ है, तो वो भी उम्मीद है कि उनमें से भी जो बचे हुए काम हैं वो भी इस महीने के अंत तक उनके भी शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे लगभग कुल मिला के इस समय शहर के अंदर लगभग 12-13 करोड़ रुपए के काम वो चले हुए हैं और इस महीने में लगभग सभी काम जो हैं जो बचे हुए हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में 2 जून को नौतपा का आखिरी दिन था और इस दिन भी तापमान सामान्य से कम रहा। इसी के साथ इस बार का नौतपा बिना गर्मी के समाप्त हो गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक रविवार से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें 7 जून तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। बता दें कि पिछले महीने में भी एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में लगातार 11 दिनों तक बादल छाने और बारिश की गतिविधियां जारी रही। इससे दिन और रात के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। इन 11 दिनों में 9 दिन नौतपे के थे और इस तरह नौतपा इस बार ठंडे बस्ते में चले गए। मौसम विभाग के मुताबिक कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी का भी अनुमान लगाया गया है और 4 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने बीडीपीओ कार्यालय रायपुर रानी में आयोजित एक कार्यक्रम में एमपीलैंड फंड से खंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों को वाटर कूलर वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही खंड की ग्राम पंचायतों में 16 पानी के टैंकर भी बांटे जाएंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने कहा कि अंबाला लोकसभा सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया ने जो वादे अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों से किए थे, वो सभी वादे प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय सांसद रतनलाल कटारिया को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।